की कहानी है देवरानी जी, मैं कंजूस नहीं हूँ, तुम ही ज़्यादा खर्चीली हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। रागिनी अपने माँ बाबा की लाडली बेटी थी, इसी कारण वो स्वभाव से बहुत जिद्दी थी। उसका ये जिद्दीपना उसके सारे गुणों पर भारी पड़ता था। जिद्दीपने के साथ साथ एक और आदत थी उसकी, जिससे उसके माँ पापा भी उसे बहुत परेशान थे, और उसकी वो आदत थी फिजूल खर्ची। रागिनी के माँ बापा उसे समझाते भी थे, लेकिन फिर भी वो अपनी आदत नहीं बदलती थी। धीरे धीरे रागिनी बड़ी हो रही थी और रागिनी के माँ पापा विनोद जी उसके लिए लड़का भी ढूंढने लगे थे। जल्दी उसकी शादी एक अच्छे घर में तो हो गई थी। 2-3 महीने बाद ही उसकी शादी भी हो गई। जिद्दी से रागिनी एक बड़े घर की छोटी बहू बन गई। रागिनी के ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी, उनका बच्चा रिंकू और उसका पति आलोक था। शादी के बाद भी रागिनी की आदतों में बदलाव नहीं आया और न ही उसके उन्हें बदलने की कोशिश की। ससुराल में रागिनी की ये आदत सभी को बहुत बुरी लगती थी, स्पेशली उसकी सास और जेठानी को, लेकिन वो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। सब ऐसी चल रहा था। रागिनी का ससुराल में पहला बड़ा त्यौहार दिवाली भी नज़दीक आ रहा था। उसके लिए शॉपिंग की सूची रागिनी की सासू माँ ने बना दी थी। आज शाम को तुम दोनों बाजार चले जाना और दिवाली के लिए शॉपिंग कर लेना। रागिनी और सविता रागिनी की जेठानी को सामान की लिस्ट देते हुए दमयंती जी बोली, जी मम्मी जी चले जाएंगे। दोनों ने एक साथ कहा। शाम के समय दोनों बाजार चली गई। रास्ते में भाभी जी मम्मी जी ने तो बड़ी छोटी लिस्ट बनाई, बस इतनी सी शॉपिंग करेंगे हम लोग। दिवाली की सामान की लिस्ट देखते हुए रागिनी बोली, रागिनी अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम अलग से ले लेना, मम्मी जी कुछ नहीं कहेगी। रागिनी का एक दो सामान अलग से लेने का मन हो गया। ये सोच कर सविता बोली, अच्छा भाभी। खुश होते भी रागिनी बोली, लिस्ट का सामान लेने के बाद रागिनी तुम भी अपना सामान ले लो। सविता ने कहा। इतना सुनती रागिनी तो लगी शॉपिंग, न जाने कितना सामान खरीद लिया उसने। न मोल भाव करती, न जरूरत देखती, बस खरीद लेती। ऐसे हजारों रुपये उड़ा दिए रागिनी ने। रागिनी सलो अब बहुत हो गई शॉपिंग, आज तो जरूरत से भी ज़्यादा सामान खरीद लिया हमने। रागिनी को इस तरह से फिजूल खर्च करने देख सविता बोली, हाँ भाभी जी बस एक दो सामान और। ये कहते हुए रागिनी एक और दुकान में चली गई। जितना सामान दमयंती जी ने मंगाया था उससे अलग उतने सामान रागिनी खरीद लाई। सामान लोबी में रख रागिनी अपने कपड़े पहनने चली गई। अरे सविता, इतना सामान आज किया, पूरा बाजारी उठा लाई हो घर पर। इतना सारा सामान देकर दमयंती जी बोली, वो मम्मी जी ये सब सामान रागिनी लाई, उसकी पहली दिवाली है। ये सोचकर मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा, सविता बोली। फिर भी इतना खर्चा, वो भी बेफिजूल की चीजों पर, बहू को समझाना पड़ेगा, दमयंती जी बोली। खैर दमयंती जी ने रागिनी को कुछ नहीं कहा और रागिनी का पहला त्यौहार दिवाली ससुराल में बहुत अच्छे से बीता। जब कोई त्यौहार आता रागिनी तो दिल खोलकर खर्च करती। जब ऐसा 2-4 बार हुआ तो दमयंती जी बोली, रागिनी बेटा सोच समझ कर खर्च किया करो। हम लोग संयुक्त परिवार में रहते और ये तो तुम जानती होगी कि संयुक्त परिवार में सब कुछ मिल बांट कर और बराबर किया जाता। सविता को देखो, वो कितनी समझदारी से खर्च करती, और बेटा तुम बहुत ज़्यादा उल्ट पुलट चीज़ों में खर्च करती हो।
मम्मी जी जेठानी जी तो कंजूस है, वो तो कुछ खरीदारी नहीं साधी। रागिनी बोली, देवरानी जी मैं कंजूस नहीं हूँ, तुम ही ज्यादा खर्ची लियो। सविता ने भी जवाब दिया, क्योंकि रागिनी की इस तरह की फिजूल खर्ची से वो बहुत परेशान थी। मैं खर्चीली हूँ तो अपने लिए, आपको उसे क्या? गुस्से में रागिनी बोली, ठीक है तो जितना मन आए उतना खर्च करो। ये कहकर सविता अपने काम में लग गई, क्योंकि वो जानती थी ये तो वैसे भी हर बात में अपनी सलाहती है। जिद्दी जो ठहरी, रागिनी बेटा मेरे पास बैठो। रागिनी का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए दमयंती जी बोली, जी मम्मी जी बोलो। रागिनी बैठते हुए बोली, देखो रागिनी बेटा मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। मैंने कभी किसी बात को लेकर तुम दोनों में फर्क नहीं किया, चाहे वो काम हो या प्यार, दोनों को बराबरी दिया है। तुम सविता से ज़्यादा शॉपिंग करती हो, ये तो तुम भी मानती हो ना, तभी तो तुमने उसे कंजूस कहा। दमयंती जी रागिनी को समझाते हुए बोली, जी मम्मी जी देखो रागिनी, शॉपिंग के लिए मैंने कभी तुम दोनों को ही मना नहीं किया, लेकिन बेटा हर चीज़ हिसाब से अच्छी लगती है, न चाहे वो कुछ भी हो। जब तुम इस तरह से फिजूल खर्ची करोगी तो अपने भविष्य के लिए क्या बसाओगी? बेटा जरूरत के हिसाब से हर चीज अच्छी होती है। तुम्हारी इस आदत के कारण तुम्हारे जेठ जेठानी भी अपने भविष्य के लिए नहीं सोड़ पाएंगे, क्योंकि जब घर का खर्च ज़्यादा होगा तुम दोनों की हिस्सेदारी भी ज़्यादा होगी ना, और तुम्हारी वजह से किसी को नुकसान हो, ये तो गलत बात है। रागिनी बेटा सविता कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझते। बेटा बुरा तो उसे भी लगता होगा, बाकी तुम खुद समझदार हो। मेरे बात तो तुम दोनों को खुद ही सब संभालना, आगे तुम्हारी इच्छा मुझे तो यही समझाना था। रागिनी को प्यार से समझाते हुए दमयंती जी बोली, मम्मी जी मैं पूरी तरह से तो ये आदत नहीं छोड़ पाऊंगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि कम से कम खर्च करूँ। रागिनी बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दमयंती जी प्यार से बोली, थैंक यू मम्मी जी मुझे इतने अच्छे से समझाने के लिए। रागिनी बोली, हमेशा खुश रहो। दमयंती जी ने आशीर्वाद देते हुए